देखिए मेरे नजरिए से, देखिए मेरे साथ, मैं साइबा खान। आज मैं आपके लिए लाई हूँ जंक सूट, बेबी जंक सूट। वैसे तो मार्केट में जंक सूट बहुत अच्छे मिलते हैं, बट अगर मार्केट में अच्छे मिलने वाले ही जंक सूट अगर आपको घर में ही बनाने आ जाए तो इससे अच्छी बात ही क्या है। वैसे जंक सूट बनाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं चाहिए, बस हमें जो फैब्रिक चाहिए वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। क्योंकि सॉफ्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम बच्चे बेबी का बना रहे हैं, तो बेबी के हिसाब से फैब्रिक बहुत सॉफ्ट हो। आज 2 साल की बेबी है मेरी, तो मैं 2 साल की बेबी का बना रही हूँ। फैब्रिक की 4 लेयर्स बना दीजिए और पहले टॉप का मेजरमेंट कर लेते हैं। मेजरमेंट के लिए हम बेबी की कोई टी शर्ट ले लेते हैं। मेजरमेंट करने में थोड़ी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, असल में जब हम इंची टेप से करते हैं तो बहुत ऐसी लेडीज़ हैं जो इंची टेप के नंबर्स या उसके इंचीज भूल जाती हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम बच्चे की कोई टी शर्ट ले लेते हैं और उससे मेजरमेंट करते हैं, तो वो आसान हो जाता है। जैसे कि वैसे तो इसका फुल जो शोल्डर है वो 5 है और इसका चेस्ट 7 और लेंथ 15। सबसे पहले हम इसको शेप में काट लेते हैं। और इसका नेक 3 सेंटीमीटर, बट 3 बनने के बाद, बनने से पहले जब अनस्टिक हो तो 2.5, अदरवाइज जब बन जाए तो बनने के बाद 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैंने टॉप का साइज निकाल लिया है, अब मैं इसको शेप में काट रही हूँ। थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा शेप देना, थोड़ा सा कर्व आएगा यहाँ पे क्योंकि हमें टॉप का शेप देनी है, इसलिए थोड़ा सा कर्व आएगा। ये देखिए, ये टॉप का साइज है। हम टॉप के सेंटर में थोड़ा सा कट लगाएंगे क्योंकि ये टॉप का सेंटर है, इसलिए हमें ध्यान रहे। अब हम बेबी का नेक बनाएंगे। मैंने बेबी का नेक का मेजरमेंट कर लिया है, ये देखिए काट दिए हैं दोनों सेम। अब हम इसे स्टिच करते हैं। इसका टॉप तैयार कर लिया है और मैंने इसमें इनर भी लगाया है और अब मैं बैक तैयार कर लेती हूँ। ये मेरा बैक है और मैं इसको बिल्कुल सेंटर से कट करूँगी। ये मैंने डिवाइड कर दिया है और अब इसमें इनर लगेगा। जिस तरह मैंने फ्रंट बैक काटा है उसी तरह से मैं इसका इनर काटूंगी, फोल्ड करूंगी। ये उल्टा है और ये सीधा है, इनर को इसके फ्रंट पे लगाना है ऐसे।
मैंने सिल दिया है तीनों तरफ से, और इसी तरह से मैंने ये भी सिला था। अब सिलने के बाद हम इसकी ये एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है हम इसको कट करेंगे। है बिल्कुल ऐसा ही इसको काटना है। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा कर लिया है और अब आप इसको भी इसी तरह से सीधा कर लीजिए। अब हम इधर जिप लगाएंगे। जिप लगा दी है, अब हम इन दोनों को जॉइंट करेंगे। इसको ऐसे स्ट्रेट रखना है और इसको ऐसे ऐसे करना है। मैंने इनको जॉइंट कर लिया है, ये देखो। अब मैं इसकी फिटिंग करूंगी। ऊपर का टॉप बनके तैयार हो चुका है। एक ही पैंट तैयार कर लेते हैं। मैंने फैब्रिक लिया है और इसके भी 4 लेयर्स बनानी है इस तरह से। और मेजरमेंट के लिए मैं बेबी की एक पैंट ले रही हूँ जिससे मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। बेबी की हाइट 18 है और 18 बनने के बाद और बनने से पहले आप 19 इसकी हाइट लीजिए। और यहाँ से बेल्ट 6 इंच और यहाँ से 8 इंच। अब हम इस पे निशान लगा लेंगे। जॉइंट किया है वो इसलिए थोड़ा सा ये स्टाइलिश लगे और थोड़ा सा स्मार्ट लगे, इसलिए मैंने इसे पहले बीच में से सिलाई कर दी है और मैंने नीचे से भी पैंट को सिल दिया है दोनों को इस तरह से। और अब मैं इन दोनों को आपस में सिल दूंगी। पैंट को सिल लिया है और अब मैं इसको टॉप से जॉइंट करना है ऐसे। ये जॉइंट होगा इस तरह से। ये अब हमें ये दोनों को जॉइंट करना है। जो टॉप का फैब्रिक है थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हम इसमें इलास्टिक डालनी है, इसलिए टॉप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर निकालना है और फिर इस पैंट को टॉप से जॉइंट करना है ऐसे। लगा देती हूँ जिससे ये थोड़ा हिले ना। इस तरह से मैंने ये पिन लगा दी है जिससे जब सिलूं मैं इसको तो ये हिले ना। इसे जॉइंट को बराबर रखना है इस तरह से। सिल लेते हैं। अब हम पैंट सिल लेते हैं, इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। ऐसे अब मैंने इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर लिया है, आप देख लीजिए आगे से भी और पीछे से। अब इसमें हम इलास्टिक डालेंगे क्योंकि बच्चे को तभी फिक्स आएगा यहाँ पे, तो हम इसको इलास्टिक डालते हैं। पहले हम इसको उल्टा करते हैं। इसने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था इलास्टिक के लिए,
अब हम उसको जॉइंट करेंगे। अब हम करेंगे इस तरह से, ऐसे करना है इसको पहले सीधा, और हम यहाँ से इतना जॉइंट करेंगे इसको ऐसे। अब हम इसमें लास्टिक डालते हैं। मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, पहले हम लास्टिक को यहाँ से जॉइंट करेंगे जिससे ये लास्टिक हिले ना। मैंने यहाँ लास्टिक लगा दी है, आप देखिए यहाँ पे आने के बाद अब ये बन के तैयार हो चुका है। जब मैंने लास्टिक लगाई थी तो मैंने अंदर से लगाई थी, तो जब मैंने अंदर से लगाई थी तो अपने आप ये सिलाई ऊपर आ गई है। अभी मेरा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप इसको चाहे कैसे भी डेकोरेट कर दीजिए, मैंने तो बटन सोचे हैं इस तरह से। आप चाहे तो फ्लावर भी लगा सकते हैं या रिबन भी लगा सकते हैं, बट मैंने बटन लगाए हैं। अगर आपको मेरे आइडियाज और ये डिजाइन्स पसंद आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगले आइडियाज आपको कैसे चाहिए। और जब तक के लिए खुदा हाफिज़।